नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्री ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ACW एंड व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ ACW इन थर्मल पावर प्लांट्स। देखिए दोस्तों, मैं भी आपको फ़ोटोज़ दिखा करके चीज़ों को बता सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं चीज़ों को प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलती हैं। आज के इस टॉपिक का नाम है ACW, तो हम चलिए शुरू कर लेते हैं। ACW क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले हम ये छोटा सा एक लाइन लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। द ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप इज अ पंप डैट कीप्स द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द कोल्डर साइड हीट एब्जॉर्बेशन साइड ऑफ ए प्लेट एक्सचेंजर। दिस इज वाटर इज जनरली ड्रॉन फ्रॉम द कूलिंग टावर बेसिन, बट द वाटर सोर्स मे बी चेंज फ्रॉम द पॉइंट बैलेंस डायग्राम। दस द कूलर ऑफ द PSD कंप्रेस्ड द ACW सर्किट। अगर मैं आसान शब्द में इसको समझाने की कोशिश करूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप का यूज हम हमेशा कहीं पूरे पावर प्लांट में, अगर जनरली मैं आपसे नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो जो भी प्लांट में हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं। देखिएगा, इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम लोगों के पास इसका जेन्युइन आंसर नहीं होता है। जो पावर प्लांट में ऑक्सिलरीज यूज़ की जाती हैं, जैसे बॉयलर फीड पंप हो गया, ल्यूबाइल कूलर हो गया, आपके इंस्ट्रूमेंट जो एस कन्वेयर्स होते हैं उसके वेसल्स की कूलिंग हो गई, या इस तरीके से जितने भी वाटर कूल्ड ऑक्सिलरीज होती हैं उनमें हम ACW का यूज करते हैं। ACW में वाटर कौन सा होता है? DM वाटर हो सकता है, RO वाटर हो सकता है, वो आपके फ्लो पर निर्भर करता है कि आप कौन सा फ्लो उसमें ले जा रहे हैं और जिस ऑक्सिलरी की कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए वो प्रॉपर है या नहीं, कैसे काम करता है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है ये तो समझ गए, अब काम कैसे करते हैं। जो हमारा कूलिंग टावर होता है वही थर्मल पावर प्लांट का मेन वाटर सोर्स होता है जिसे हम कूलिंग के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम उसको कूलिंग टावर का नाम दिए। कूलिंग टावर के बेसिन से जो वाटर निकलता है हम उसको एक पंप के थ्रू जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ पर हम इसका यूज कर लेते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल सा आंसर। अगर कोई पूछे तो आप सिर्फ इतना बताएंगे आप सिर्फ इतना बताएंगे कि कूलिंग टावर के बेसिन से जो वाटर निकलता है उसे हम अपने ऑक्सिलरीज को कूल करने के लिए एक पंप के मीडियम से फ्लो अप कराते हैं जिसे हम ACW के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सिलरीज कूलिंग वाटर होती है जिसमें हम DM वाटर या रॉ वाटर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इज डैट क्लियर? बहुत आसानी से। अब देख लीजिए हम कौन कौन से ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं इसमें कूलिंग के लिए। मैं आपको DCS पर अभी दिखा रहा हूँ, DCS के बाद मैं आपको फील्ड में दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ करता है। कूलिंग वाटर हमेशा दो रखते हैं, हमेशा मैक्सिमम पावर प्लांट्स में कूलिंग वाटर सिस्टम का एक स्टैंड बाई होना ही होना चाहिए और वो स्टैंड बाई ऑटो में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कूलिंग वाटर जैसे ही कूलिंग का प्रेशर डाउन होता है हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, देयर फोर हमारे प्लांट की ट्रिपिंग बढ़ जाती है। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए इसमें हमेशा एक या दो आपको स्टैंड बाई मोड पर लेकर के चलना ही चलना है दोस्तों। चलिए अब हम DCS पर आते हैं और DCS से समझते हैं ACW की यूजर्स क्या क्या हैं। ये हमारे सामने एक कूलिंग टावर है जिसमें आपके सामने दो ACW पंप दिख रहे हैं, ACW1 एंड ACW2। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ACW चल रहा है उसमें एक ACW हम मैनुअल में लिए हुए हैं और दूसरा ऑटो में है, हालांकि यहाँ दोनों ऑटो में है, वो प्रॉब्लम ऑपरेटर की है। अब हमारे पास एक प्रेशर जो है वो 3.4 kg का है और जो टेम्परेचर है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड का है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो हमारा फ्लो का वाटर फ्लो का जो टेम्परेचर प्रेशर है वो 3.4 kg का है और जो टेम्परेचर वाटर का वो 31 kg है। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे ऑक्सिलरीज की कूलिंग के लिए। कौन कौन सी ऑक्सिलरीज आपके सामने दी गई हैं, कौन कौन सी ऑक्सिलरीज हम कूलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ऑक्सिलरीज कूल करते हैं उससे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि प्रेशर हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं, टेम्परेचर कूल करने के लिए है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो टेम्परेचर हम यूज कर रहे हैं वो वाटर का वो ऑलरेडी ज़्यादा हो और हम उसे कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, पता चले वो कूल ही ना कर पाए। ठीक है ना दोस्तों, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ऑक्सिलरीज में आपको दिखा दें, हमारा ये ल्यूबाइल कूलर है। बिफोर ल्यूबाइल कूलर का जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी हमारे पास अलार्म आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा ल्यूबाइल का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, जैसा कि आप TG पर अलार्म देख सकते हैं, मैं आपको अलार्म दिखा रहा हूँ।
क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकली बताऊंगा और आपके सामने ला करके रखूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देख लीजिए, लू बॉयल कूलर के आफ्टर के जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री है, बिफोर की जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री है। ऑब्वियस सी बात है, हमने जो अलार्म सेट किया हुआ है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैसे ही ये आ रहा है वैसे ही हमारा अलार्म हो जा रहा है, जैसा कि अभी आप येलो कलर में ब्लिंकिंग देख रहे हैं। अब जो दूसरी कूलिंग सिस्टम है वो एस हैंडलिंग सिस्टम में होती है, और एस हैंडलिंग सिस्टम में क्या कूलिंग होती है, ये हमारी जो वेसल्स होती हैं, जैसा कि आपके सामने अभी वेसल दिख रही हैं, इन्हीं वेसल्स में हम वाटर ट्यूब्स ले जाते हैं, ये वेसल्स गर्म हो जाती हैं, और अगर हम इसकी कूलिंग प्रॉपर ना करें तो ये एस हैंडलिंग सिस्टम को हमेशा स्टक कर देगा, फंसा देगा, इसलिए हम इसकी कूलिंग करते हैं। ये वेसल्स में एक वाटर ट्यूब जाती है, वाटर ट्यूब क्या करती है, उसको धीरे 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 ठंडा करती है, और यही वाटर ट्यूब हम सक करते हैं अपने ACW के थ्रू। ठीक है ना दोस्तों, अब अगला टेम्परेचर देख लीजिए हम कहाँ पर लेते हैं, यही टेम्परेचर जो आपके सामने एक टर्बाइन का प्रोटेक्शन सिस्टम करके आता है, वहाँ पर आपको RTD मिल जाएगी, टेम्परेचर मिल जाएंगे, साथ ही साथ वाइब्रेशन पैरामीटर भी मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, अब देख लीजिए बॉयलर फीड पंप में क्या होता है, हमारे यहाँ पर बॉयलर फीड पंप की ऑक्जिलरी को ठंडा रखने के लिए, पंप के बियरिंग्स को ठंडा रखने के लिए हमने इसका यूज किया है, इस वाटर का। अब होता क्या है कि हमारे सामने, अब देख लीजिए, पहले हम आपको टेम्परेचर बता देते हैं, मोटर DE बियरिंग, NDE बियरिंग, बाइंडिंग RYB, बाइंडिंग RYB, बाइंडिंग RYB, और साथ ही साथ पंप की DE और NDE बियरिंग दी गई है। जो हमारा पंप चलता है उस पंप के बियरिंग्स को ठंडा करने के लिए हम ACW के वाटर को सक करते हैं, सप्लाई में लाते हैं और दे देते हैं बियरिंग्स को, वो ठंडा कर देता है। ठीक है ना दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके के कई सारे वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर के आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। बस रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।